राजस्थान अंता विधानसभा क्षेत्र से खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की प्रेरणा से 26 मई को होने वाले 2,222 जोड़ों के विशाल निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर खान मंत्री भाया गरीबों के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की प्रेरणा से 26 मई को कोटा 12 रोड पर नवनिर्मित जैन तीर्थ के निकट होने वाले 2,222 जोड़ों के विशाल निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन की न सिर्फ हाड़ौती क्षेत्र बल्कि पूरे राजस्थान में गूंज सुनाई दे रही है। वही वजह है कि इस निशुल्क विवाह सम्मेलन को विश्व स्तर पर रिकॉर्ड दर्ज करने को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम भी आ रही है, जिसे बुलाने की संपूर्ण औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इस सम्मेलन को लेकर 2000 बीघा के विशाल एरिया में सभी सुविधाओं से युक्त व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि सम्मेलन के दौरान किसी को कोई अव्यवस्था ना हो सके। खास बात यह है कि वर वधु को शादी के दौरान उपहार स्वरूप कीमती आभूषण सहित घर गृहस्थी के सभी सामान भेंट किए जाएंगे। अध्यक्ष मेरी धर्मपत्नी उर्मिला जी हैं, ट्रस्ट मंडल ने निर्णय लिया और कूट का भव्य निर्माण जो हुआ उसके बारे में जो ट्रस्ट मंडल के जो कूट कमेटी के जो संरक्षक है प्रकाश भाई सिरोड़ी वाले, उन्होंने यहाँ पर अहमदाबाद के निवासी होने के बावजूद भी बहुत समय दिया अपना। बलरामपुर सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग रेंज जनकपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जनकपुर के मजरा बसंतपुर में तेंदुए ने 4 लोगों सहित 2 बच्चों को घायल कर दिया है। ग्राम प्रधान सगीर अहमद तथा ग्रामीणों द्वारा वन विभाग तथा स्थानीय कोतवाली जरवा को सूचना दी। सूचना पर जरवा कोतवाल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। जानवर को चारा चढ़ाने गए विजय उम्र 22 वर्ष, फैजान उम्र 24 वर्ष, लालू उम्र 19 वर्ष, प्रदीप कुमार उम्र 26 वर्ष, माता दीन उम्र 10 वर्ष को तेंदुए ने खेत में दौड़ाया तथा काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में उपचार के लिए भेजा गया है। वहीं हसनापुर जंगल में एक 10 से 15 दिन पुराना एक तेंदुए का शव पाया गया है। ग्राम प्रधान सगीर अहमद, प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर एम सोमारन, उप प्रभागीय वनाधिकारी माता बख्श सिंह, क्षेत्राधिकारी अमरजीत प्रसाद, शशिकांत शुक्ला, वन दरोगा चंद्रभान यादव, वन रक्षक जरवा कोतवाल दुर्विजय और उनकी टीम अरविंद यादव, विजय कुमार, विश्वकर्मा, रोशनी देवी भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे। प्रथम दृष्टया तो जांच में आएगा वो हसनापुर कंपार्टमेंट नंबर 1 में कवही नाली के किनारे डेडबॉडी मिली, जो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर की है और लगभग सड़ भी चुकी है। बलरामपुर में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली थारू जनजाति की छात्राओं को विकास खंड पचपेड़वा के विशुनपुर विश्राम में साइकिल वितरित समारोह में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी एवं जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा 224 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले थारू जनजाति के छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले थारू जनजाति के छात्र काफी प्रतिभाशाली हैं। सभी ने कठिन परिस्थिति से पढ़ाई करते हुए अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने सभी के अभिभावकों से अपील की है कि इन छात्रों को आगे बढ़ने के लिए हर एक अवसर अवश्य प्रदान करें। इसके लिए उनको सरकार द्वारा हर सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनजाति में विद्युत समस्या को हल करने के लिए 1280 सोलर लाइट की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए 8 BSNL के टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटर पास जो छात्रा सिविल सर्विस या IIT नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए कोचिंग में एडमिशन दिया जाएगा। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशानुसार एंटी रोमियो स्क्वाड दल, महिला बीट पुलिस अधिकारी, नारी सुरक्षा दल द्वारा समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत
प्रमुख चौराहों, गांव, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर चौपाल लगाकर मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं व बालिकाओं को जानकारी देते हुए सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून एवं नियमों के संबंध में बताते हुए जागरूक किया गया। साथ ही सेल्फ डिफेंस व हेल्पलाइन नंबर वुमेन पावर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चिकित्सीय सहायता हेतु 108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि के बारे में जानकारी दी गई। कोटा जिले के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित बिजली विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों पर ऐसी गर्मी में बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देना एक चुनौती बना हुआ है। आंगनवाड़ी कार्मिकों ने बताया कि एक तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था नहीं होने से ऐसी भीषण गर्मी में बच्चों को दोपहर 12 बजे तक रोकना टेढ़ी खीर हो रहा है। इन्होंने ऐसी भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनवाड़ी का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे व बच्चों को छुट्टी रखने की मांग की है, से बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। चाहिए ताकि है ना अपने ना जंगली जानवर परेशान हो, तो अपन आज ये कहानी करेंगे ना, कहानी सीखेंगे ना, तो आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताएंगे कि इससे क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, ठीक है। सिद्धार्थनगर सरकारी परियोजनाओं पर भी खनन माफियाओं का कब्जा हो रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सरोवर का ट्रैक्टर से खुदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रधान द्वारा मजदूरों की जगह ट्रैक्टर से काम करवाया जा रहा है। विभागीय मिलीभगत से मनरेगा मजदूरों के हक पर डांका डाला जा रहा है। डुमरियागंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बनकटी के परसा हेतिम का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीडीओ जयेंद्र कुमार ने बताया कि जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। खबर उत्तराखंड के कलियर से है, जहां पर आंधी ने भारी तबाही मचाई। मंगलवार लगभग 9 बजे आंधी आई, रास्ते में खंभे गिर गए, बैनर गिरे, रास्ते में पेड़ गिरे। वीडियो को देखकर पता चलता है कि आंधी ने कितना कहर बरपाया है। टीन के खोखे उड़कर बहुत दूर चले गए, उनकी छत बहुत दूर चली गई, घरों की दीवारें गिर गई। अच्छी बात ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। प्रशासन ने बुधवार को सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं और आदेश न मानने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। कितना नुकसान है देखो, कलियर में यह है भारी तबाही का नजारा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।